अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नक हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नक हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम फैमिली प्रॉब्लम्स के मौजू की तरफ, दूसरी चीज़ की तरफ आ रहे हैं और इससे भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि उनके फैमिलीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, उन बिरादरियों को लड़वाती हैं, ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले एक होता है जब कोई बंदा, कोई औरत हो या मर्द हो, उसमें गुस्सा ज़्यादा रहे और वो गलत सोच सोचने लगे तो उस वक्त राहु किसी का अगर रिवर्स होता है तो उसको ये मसाइल दरपेश होते हैं। राहु को तो आपको पता है नॉर्थ नोड कहा जाता है, रास कहा जाता है, और इसकी नेगेटिविटी से लोगों के अक्सर, जिन लोगों के अपने घर नहीं होते, वो किराए के जगह पे रहते हैं, तो उनका राहु ख़राब होता है, या उनका अपना अगर घर होता है तो वो बेच देते हैं तो भी राहु ख़राब होने की ये साइंस हैं, सिम्टम्स हैं। राहु जिन लोगों के ख़राब होता है, अक्सर करके ये ख़राब है, बहुत सारी मैंने जोडिकल बर्थ चार्ट देखे हैं तो उनमें मैंने अक्सर देखा है कि राहु केतु उनके गलत जगह पे होते हैं या उल्टे होते हैं। यहाँ तक के बहुत सारे लोगों के जो मैरिज प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी राहु का बड़े असरात होते हैं। वो लोग जिनके घरों में उनके घर की औरतें रूठी हुई बैठी होती हैं, उनके शौहर उनको छोड़ देते हैं, लेने नहीं आते, तो उनमें भी अक्सर करके राहु की ही प्रॉब्लम होती है। एक किस्म की ज़िद्द, एक किस्म की अना, एक किस्म का हट पैदा हो जाता है। ऐसी कैफियत में जब ये कैफियत होती है तो गुस्सा होता है, दोनों तरफ से गुस्सा ज़ाहिर होता है। और इसकी और भी बहुत सारी निशानियां हैं, और वो निशानियां क्या हैं कि अगर किसी का राहु ख़राब होगा तो वो नशे की तरफ भी जाएगा, राहु ख़राब होगा तो गलत कामों की तरफ भी जाएगा। अगर राहु ख़राब है तो वो नई नई चीज़ें गलत सोचने लगेगा, बीमारियां भी होंगी। जैसे केतु ख़राब होगा तो वो बंदा चारपाई पे ही रहेगा, यानी अगर आदमी चारपाई से नहीं उठे, बैठा रहे, बरसों बीमारी चले, तो वो केतु ख़राब होता है। और अगर राहु ख़राब है तो ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि अगर सेकंड हाउस में राहु रिवर्स हो, बैठा हो गलत पोजीशन में, तो उन लोगों को मिल्कियत नहीं होती, उनके घर बिक जाते हैं। और साथ में अगर शनि यानि सैटर्न भी बैठा हो तो उन लोगों को जो अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो बेचनी पड़ेगी। और उनको एक मसला ख़ास तौर पे राहु वालों को जो होता है वो होता है, अगर वो सोना बेच दें किसी भी काम के लिए तो उनके लिए समझो और मुसीबत बढ़ जाती है।
राहु जिनका खराब हो उनको कभी भी अपने घर से सोना नहीं बेचना चाहिए, चाहे वो एक अंगूठी हो, एक शल्ला हो, कितनी भी वजन का हो, ज़्यादा हो या कम हो, तो वो सोना उनको नहीं बेचना चाहिए। उनको और तरीके से अपने कर्ज को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, सोने को नहीं बेचना है। अगर वो सोने को बेचेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी, यानी वो उनका कर्ज़ा भी नहीं उतरेगा और उनके लिए और ज़्यादा शिद्दत और तकलीफ़ आ जाएगी। इसी तरह राहु जब हठधर्मी पे होता है, बैड पोजीशन होता है, तो लोगों के घरों में रिश्तेदारियां नहीं होती, रिश्तेदारियां होने वाली होती हैं, रिश्ते उनको लाइक नहीं करते क्योंकि मिसबिहेवियंग हो जाती है, उनके घर वाले मुतमईन नहीं होते, वो बड़े बड़े शरायत रख बैठते हैं, इस तरह से हो, उस तरह से हो, ऐसे हो, इस तरह से। और उनके ख़ानदानों में, उनके फैमिलीज़ में पेरेंट्स की तरफ से यानी फादर की तरफ से, जो बाप की तरफ से नस्ल होती है, उनके कज़न्स होते हैं, वो उनको तकलीफ़ देते हैं, उनके करीब नहीं आते हैं। ये मसाला जो है, ये ख़ानदानी मसाला जो चलता है, वो ख़ानदान बरसों से चलते हैं, तो ये उनके वालिद के यानि दादा की तरफ से तकलीफ़ होती है। यानि जिनके ख़ानदानों में दादा के ख़ानदान की तरफ से, वालिद के ख़ानदान की तरफ से तलाक़ें मिल रही हों, तो समझो कि वो राहु ख़राब है। और जिनके ख़ानदान में माँ की तरफ से अगर तलाक़ें हो रही हैं, मिल रही हैं, लड़कियाँ बैठ गईं, तो समझो कि उनका केतु ख़राब है। ये दो चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अब जब तक आप लोग उसका कोई सदका, कोई उपाय, कोई हल नहीं करेंगे, तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो ये मसाइल चलते हैं। इस किस्म के असरात जिन जोडिकल साइंस में हों या जिन घरों के अफराद में होते हैं, तो उनकी ख़ानदानी नस्ली तासुब, एक नस्ल से दूसरी, दूसरे से तीसरी, चौथी, यानि पीछे से चलती आ रही होती है। अगर कोई साहिब फहम उनका होगा तो वो उसका इलाज जो है राहु के सदकात दे के जान छुड़ाएगा। अगर केतु होगा तो केतु के सदकात से वो उस बुराई से बच जाएगा। लेकिन अगर उसका जहन उस तरफ नहीं है, वो सिर्फ एक ज़िद्द और एंगरनेस की तरफ है, एग्रेसिव हो है, तो वो उस तरफ गुस्से की हालत में तो पहुंच ही नहीं सकती ना, तो वो नहुसत उनकी नस्लों में चलती है। केतु का भी प्रॉब्लम इस तरह से है कि अगर फैमिलीज़ में माँ के ख़ानदान की तरफ से तकलीफ़ हो, तो फिर वो ख़ानदानी जो है अज़ियत वो चलती रहती है कि फ़लाँ ने तलाक दी थी, फ़लाँ ने हमसे रिश्ता तोड़ा था, तो अब इसके साथ ऐसा हम करेंगे, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। ये क्या होता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है, ये गलत सोचें कहाँ से आई, दोनों फैमिलीज़ में कहाँ से आई, ये असल में राहु और केतु के असरात होते हैं। फिर इनके सदकात होते हैं, मुख्तलिफ़ सदकात होते हैं, ये फिक्स सदकात नहीं है, मुख्तलिफ़ हैं। बैंगन का सदका है, नारियल है, इसके अलावा सरसों जिससे मस्टर्ड आयल निकलता है वो है, और भी दूसरी चीज़ें बहुत सारी हैं जो इनके सदकात होते हैं। तो इनको फिर बर्थ चार्ट को देखते हुए उनको, उन पे अमल किया जाता है। राहु भी बंदश लगा देता है, जैसे सांप के मुंह में चला जाए तो उनके रोज़गार की बंदश, सेहत की बंदश, बीमारियां, सब चीज़ें पकड़ लेती हैं।
लोग क्या समझते हैं किसी ने जादू करवाया है, फिर मारे मारे कभी किसी शहर में कभी किसी बंदे का नाम सुनेंगे वहाँ पहुँचेंगे, उस बंदे का नाम सुनेंगे वहाँ पहुँचेंगे, सिर्फ यही होगा फलानों ने कुछ किया होगा, फलानों ने कुछ किया होगा, कुछ नहीं होता। ये आपका अपना एक ख्याल है। जादू बहुत कम होता है, अक्सर करके आपके सयारे ही कमज़ोर होते हैं, और अगर वो करते भी हैं तभी करेंगे जब आपके ये सयारे कमज़ोर होंगे। इन शेडो स्टार्स के जब आपके ऊपर, आपके ख़ानदानों के ऊपर असरात पड़ेंगे, तो उसके असरात की वजह से जादू जन्नात की तरफ लोग खुद चले जाएंगे कि हम इनको ऐसे कर देंगे, हम इनको ओसे कर देंगे, और फिर उनको आमलों के पास कहें जाएंगे इनको ऐसे करो। यानी असल वजह, सबब, रीज़न, बायस जो है वो राहु और केतु होता है। फिर इनके सदकात देके आप लोग इस मुश्किल, इस मुसीबत से निकल सकते हैं। एक ख़ानदानी अजियत, जो एक नस्लों की अदावतें वो जो इस वजह से चल रही होती हैं, उससे निकलने का एक तरीका, एक रास्ता बतौर सदका जो है मैंने आपको बताया है कि राहु के सदकात और केतु के सदकात हैं। दोनों को आप देख लें किस तरह की हालतें, पोजीशन चल रही हैं। यानी फादर के ख़ानदान से चिपकलश है तो राहु, और अगर मदर के ख़ानदान से चिपकलश है तो केतु, उनके सदकात दें और वक्ती वक्ती दोनों के देते रहें तो आपके नस्लों में ये नहुसत फिर आगे नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपने उसको हल्का सा लिया और आपने उसके सदकात नहीं दिए तो फिर ऐसा ही होगा कि ये नस्ली तासुब चलता रहेगा और इससे झगड़े, नुकसानात, मुकदमात, केसेस, शिकायतें, तनकीदें, अदावतें चलती रहेंगी। इनको ख़त्म करने के लिए आप एक प्योर आसान तरीका, एस्ट्रो सदकात की तरफ जाएं, उससे निकल आएँ, तो इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इसे इस्तफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।